हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरी ये ब्लॉग। सो गाइस, आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, बहुत सारी जगह पे जाना है। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी मैं कर चुकी हूँ और आज मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। मैंने ऑलरेडी ये वाला रेसिपी शॉर्ट्स वीडियो में डाला है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे पानी भी भर रही हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग है। एक्चुअली बिजी शेड्यूल इस वजह से है, मेरे भाई और मेरी मदर इन लॉ दोनों को ही मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसी वजह से काम जल्द से जल्द मैं ख़त्म कर रही हूँ। भाई का जो तबीयत है वो 3-4 दिनों से ही ख़राब है और मेरी मदर इन लॉ को बस डेली चेकअप मुझे करवाना है, बिकॉज़ फादर इन लॉ का इतना कुछ होने के बाद मुझे उनका चेकअप जल्द से जल्दी और ठीक तरीके से करना है, इसी वजह से मैं लेके जाऊँगी। तो चलिए, ब्रेकफास्ट की मैं तैयारी शुरू कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी इंग्रेडिएंट दे रही हूँ इसको बनाने के लिए, आप भी घर पे बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और सच बताऊँ, ये वाला रेसिपी ना सभी लोग बनाते, जो भी है, जो भी जानते हैं, ये सब ना बहुत ऑयल में बनाते हैं। मैं नहीं बनाती हूँ, मैं कम तेल में और थोड़ा सा धीमे आँच में फ्राई करती हूँ ढक के, ताकि कम तेल लगे और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। सो लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है धनिया, इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। आप भी घर पे बनाइए और ब्रेकफास्ट में खा के देखिए, डिनर में भी खा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो जैसे कि मैं बोल रही थी, बहुत सारा पेंडिंग काम है, उसमें है एक ये काम, कपड़े धोना। सो डेली का कपड़ा डेली धोने का बस यही फ़ायदा होता है, ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा हल्के हाथ में धो दो तो पूरा साफ हो जाता है। तो मैं डेली का कपड़ा ही डेली धोती हूँ। और पानी का काम करूँ, अनुषा ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। अनुषा का अभी तबीयत 2 दिनों से ठीक नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, बट मैं क्या ही बताऊँ, उसको पानी में खेलना, पानी के साथ खेलना इतना ज़्यादा पसंद है, मैं क्या ही बताऊँ। सो यहाँ पे अनुषा को भी मैं नहला दूँगी, उसके बाद हम दोनों जाएंगे पहले मेरी मम्मी के घर पे, अनुषा को वहाँ पे छोड़ूंगी ताकि मैं मेरे भाई को लेके आ पाऊँ डॉक्टर के पास, उसके बाद भाई को घर पे छोड़ूंगी और अनुषा को घर पे लेके आऊँगी। सो एक्चुअली ज़्यादातर कपड़े अनुषा का ही होता है, लेकिन कल थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, बिकॉज़ अनुषा 2 बार वॉमिटिंग किया था रात को, बिकॉज इतना ज़्यादा खांसी हो रहा है ना, और वो ब्रेस्ट फीड भी करती है, तो मैं जितना बार भी उसको मना करूँ खांसी के टाइम पे ये ना खाए, बट वो नहीं सुनती है। तो बहुत ज़्यादा खांसी होने के कारण उसको वॉमिटिंग 2 बार हुआ, तो इसी वजह से बहुत सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। सो यहाँ पे कपड़े वगैरह धोना, उसके बाद यहाँ पे मैंने बालकनी में सुखाने के लिए भी डाल दिया है, ताकि छत पे अगर बारिश आ जाए वो कपड़े ना भीगे। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे घर पे मसाले थे जो कीड़े पड़ चुके थे, मदर इन लॉ ने यहाँ पे सुखा के रख दिए हैं, पानी में धो के धूप में सुखा के, अभी बस मसाले में मसाले को डिब्बे में डालना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं निकल चुकी हूँ अनुषा को लेके, अनुषा तैयार हो चुकी थी, और अनुषा की ये जो कैप है, अनुषा के पापा लेके आए थे अपनी कैप के साथ साथ। तो अनुषा को मम्मी के घर पे छोड़ के मैं यहाँ पे मेरे भाई को लेके डॉक्टर के पास आ चुकी थी, अभी रिक्शे में मेरी मदर इन लॉ भी आ चुके हैं, और जैसे कि मैंने बताया था बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो पहले भाई को लेके आई हूँ, उसके बाद वो भी मेरी मदर इन लॉ भी आ चुके हैं, अब दोनों एक साथ ही मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी। सो काफी देर वहां पे हमें वेट करना पड़ा, बिकॉज डॉक्टर बहुत तसल्ली से देखते हैं, तो एक ही फायदा हुआ, दोनों एक साथ ही अंदर गए थे, हम तीनों ही गए थे, तो भाई का ही जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था वो उसके लिए दवाई दे चुके हैं, और मदर इन लॉ का मैंने कल ही बहुत सारे टेस्ट घर पे करवाया था, ब्लड टेस्ट, जिसका रिपोर्ट पूरा नॉर्मल है, उनका कुछ भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं निकला है, बस कुछ कुछ उन्होंने दिया है,
वो ही दवाई हमें लेना पड़ेगा। दोनों को घर पे छोड़ के मैं अनुषा को लेने आ चुकी थी, अभी लेके घर पे भी ऑलरेडी आ चुकी हूँ। घर पे आके आज हमें जाना है मेरी मौसी सास के घर पे, बिकॉज बहुत दिनों से घर पे बोर हो रहे थे। तो अनुषा ऑलरेडी मेरी मदर इन लॉ और चाचू के साथ चले गए हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं अनुषा के पापा के साथ। तो ऑलरेडी यहाँ पे आके देख सकते हैं लंच करना हमने स्टार्ट कर दिया है। खाना बहुत ही अच्छा बना था। बहुत दिनों बाद घर से थोड़ा सा ब्रेक लेके आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा था सभी के साथ, और खाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन सुबह सुबह हमने डिसाइड किया आज जाएंगे। तो शाम के टाइम पे हम लोग घर पे रिटर्न आए और अभी तैयार होके अनुषा के साथ थोड़ा सा मैं निकली हूँ फ्रूट लेने के लिए, बिकॉज़ घर में फ्रूट नहीं है, अनुषा को फ्रूट चाहिए था। तो फ्रूट लेने के टाइम अनुषा को बहुत सारे वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्रूट मिले, ये वाला देख सकते हैं। अभी मैं घर पे जाऊंगी, शायद डिनर वगैरह करूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी, बिकॉज ज़्यादा कुछ आज व्लॉग करने के लिए नहीं था, बहुत बिजी शेड्यूल था, यहाँ वहाँ बहुत जगह जाना पड़ा। और रात के डिनर में बना था, आपको मैं दिखाती हूँ, ये रहा डिनर, चाउमीन। बहुत दिनों से मन था कि चाउमीन खाएंगे घर का बना हुआ, तो ये होता है घर का बना हुआ नॉर्मल चाउमीन, बहुत ही अच्छा बना था। ये मेरे मदर इन लॉ ने बनाया था रात के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई नो बहुत छोटा सा ब्लॉग था, बट मिलते हैं कल के ब्लॉग में। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। बाय बाय।